हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपके हमारे चैनल फूड टेक इनसाइट पे। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं यूज बाय और बेस्ट बिफोर डेट के बारे में, जो हम सब ने देखा होगा फूड पैकेट्स में। कुछ पैकेट्स में इस तरह मेंशन रहता है, जैसे कि बेस्ट बाय, बेस्ट बिफोर या यूज बाय। पर इनका मतलब क्या है और इसको जानना क्यों जरूरी है, चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि why it is important to know about this term. It's because this helps in deciding whether to eat or not the product after a date is passed. इसका मतलब है कि कितना टाइम तक हम अपने प्रोडक्ट को कंज्यूम कर सकते हैं और अगर डेट पास हो गया तो क्या हम इसे स्टिल कंज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं कि इनका मतलब क्या है। जैसे कि यूज बाय डेट, यूज बाय डेट डील्स विथ फूड सेफ्टी। इसका ये मतलब है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट इस मेंशन डेट को क्रॉस कर जाता है तो हमें उसे खाना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें सेफ्टी कंसर्न आ जाता है जो हमें आइदर फूड पॉइजनिंग या फूड इन्फेक्शन कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी प्रोडक्ट में यूज बाय डेट जैन 2021 तक मेंशन है, तो इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट कंज्यूम करने के लिए सेफ है टिल जैन 2021 तक। नेक्स्ट है बेस्ट बिफोर डेट। बेस्ट बिफोर डेट डील्स विथ फूड क्वालिटी। इसका ये मतलब है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट इस डेट को क्रॉस कर लेता है तो हमें उसे कंज्यूम कर सकते हैं, बट जो क्वालिटी है उसका वो 100% एंश्योर नहीं कर सकते। विच मीन्स डेट यू कैन ईट आफ्टर दिस डेट बट इट मे नॉट बी एट इट्स बेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर बेस्ट बिफोर डेट जैन 2021 तक है तो उस प्रोडक्ट को हम जैन 2021 के बाद भी खा सकते हैं, बट द क्वालिटी इज नॉट एज सच एज इट वॉज बिफोर। नेक्स्ट, किस प्रोडक्ट में यूज बाय डेट यूज किया जाता है। ज़्यादातर यूज बाय डेट प्रोडक्ट्स हम लेस सेल्फ लाइफ प्रोडक्ट में यूज करते हैं, जैसे कि मीट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, सैलड्स एक्सेट्रा। और बेस्ट बिफोर हम यूज करते हैं जैसे कि फ्रोजन, ड्राइड या टिंट प्रोडक्ट में। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इस ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।